अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सबम कदर से अपने नए व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है मेरे व्लॉग्स में देखेंगे, हम लोग स्वात आए हैं। तो जब हम स्वात आए हैं तो मैंने जगह जगह बी फॉर्म देखे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, यार ये बॉक्सेस क्या हैं? ये कह रहे हैं ये बी फॉर्मिंग है। इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई है, तो आप भी वीडियो बना रहे हो सकता है कि वीडियो जो है हमारी जो ऑडियंस है उससे काम आ जाए। तो ये भाई खड़े हैं, तो मैं इनसे डिफरेंट क्वेश्चनिंग पूछती हूँ। असल में कि भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का पता लगा रहा मैं, आप कैसे हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि आप इसके अंदर बॉक्स के अंदर मक्खियाँ रखते हैं? हाँ जी। और उनको खुराक क्या देते हैं? सर कौन क्या दिखाएं, जरा आए हैं जरा। खुराक उसकी चीनी होता है, चीनी होता है, चीनी होता है। और पंजाब में इसका आम इससे शहद निकालता है, पंजाब में कुछ ज्यादा होता है। अच्छा, उसमें इधर हम इसलिए लेके आता है कि इधर मौसम ठंडा है, मक्खी अच्छा बन जाता है, बच्चा भी अच्छा बन जाता है। और गर्मियों में क्यों नहीं है? गर्मियों में क्या दर्द हो जाती है इनकी? इसमें नुकसान भी होता है ना। अच्छा, और जब ज्यादा गर्मी हो जाता है पंजाब में, हम जब रहते हैं पंजाब में मक्खी चोटता है उधर, तो उधर चाय पी कर रखता है। अच्छा, तो चाहिए लाजिम होता है, इस केस धूप की वजह से मुंह पे हल जाता है। अच्छा अच्छा, मुंह प्रेम पड़ा होता है। तो ये कितना टाइम लेती है बनाने में, शहद बनाने में? ये सीजन की बात होता है, जब सीजन बराबर होता है, ठंड सीजन होता है ना। हाँ जी, धूप सही होता है और फूल सही होता है। हाँ जी, तो छह दिन में अच्छी मक्खी होता है, तो छह दिन में भी फूल की तरह इधर तो सारी ग्रीनरी नजर आ रही है। पाँच छह किस्म फूल है, ये ऊपर भी पहाड़ फूल कहलाता है ना, जो पिंक कलर के है। इसमें ये गर्दा होता है बच्चे के लिए खुराक, जो हम खुराक को गर्दे के लिए हमने क्या था 15-5 एक किस्म पूरा होता है। अच्छा, आप मुझे कोई वो बॉक्स खोल के दिखाएं ना, किस तरह से काटती भी है ना? नहीं नहीं, आपने बस छिड़क, हाथ नहीं छिड़कना। अगर आपके ऊपर भी चढ़ेंगी ना, हाथ नहीं छिड़कना आपने। ये देखें जी, ये इस तरह आए आप, खुला ये देखें, मक्खियां जो है वो शहद बना रही है। ये आर्टिफिशियल मोम है, ये इनका खुद का बनाया हुआ नहीं है, ऐसी है ना? ये खुद बना है, उसकी चाप है, जो ये केमिस्ट पे जो चाप लग जाता है फिर उसमें काम करता है ना। जैसे इसका अंदर ये सिर्फ शीट होता है, ये खाना ये खुद बनाता है। अच्छा, अभी बना हुआ है कि अभी बन रहा है? इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि शायद इसमें पंजाब में जो इसमें काम ज्यादा थोड़ा ज्यादा किया है ना, कुछ पेटों में एक थोड़ी थोड़ी प्रेम है इस शायद का। ये प्रेम अभी इसमें बहुत सख्त लगा हुआ है, तो मुश्किल है हमारे साथ है, वो धुआं है, वो धुएं के साथ हम काम करते हैं, ऐसा नहीं करता है। ठीक है, ये जो ऊपर सील लगा हुआ है ना, जी जी जी, ये शहद है। अच्छा, ये जो सील लगा हुआ है ये ऊपर। अच्छा, ये फिर सील करता है, ये सामने जो सार आता है ना, इसमें क्वीन नहीं है, ये खुद क्वीन आप बना रहे हैं। ठीक है, नहीं बस यही किस्म है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला किस्म है, बस सारे पाकिस्तान में मक्खी का भी शहद होता है। वो जंगल में होता है, वो कमती मिल जाता है जंगल में, ऐसा काड़ा होता है। अच्छा, और ये तो पारम में, ये तो हर जगह पे आपको नजर आएगा, लेकिन वो जो कमती नजर आएगा, बाय चांस नजर आएगा वो। अच्छा, वो छोटी मक्की जो होता है। तो कितने पर केजी देते हैं आप? ये हम 1200 में केजी देता है, और ये आधा किलो है और किलो है। अच्छा, तो यहाँ पे भी आपके बस आपकी जैसे डॉक्टर रेस्ट आता है तो उसको बेचते हैं। तो हम क्या ट्रस्ट करेंगे, ओरिजिनल है ये? बिल्कुल ओरिजिनल है, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ, ठीक है, सही है। तो आपका यही मतलब बिजनेस है? उसके बाद गर्मियों में पंजाब में पाकिस्तान की कोने कोने जगह पे हम जाते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं कि यार फलाना जगह है, हम अच्छी जगह। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है। और मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं कि ये बिकॉल भाई के, कि ये जनाब ये ओरिजिनल शायद है, आप लोग इस साइड पे कलाम वाली साइड पे आए तो आप इनसे बात। नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये चीनी इनको खुराक देते हैं, ये जो मक्खी है ये खुद फ्लावर से रस, जो नेक्टर है, हाँ जी,
जेन्युइन जो नेक्टर होता है फूलों का वो नहीं है, उसका शहद नहीं बनाती हैं ये, जो इनको खुराक देते हैं चीनी की उसको इंजीनियर करके, मतलब ये जो हनी बनाती हैं एक्चुअली ये फूलों का नेक्टर नहीं है बल्कि वो चीनी है जो ये खुराक के तौर पे लेते हैं, उसको ये सस्ते बाजार में, जो सस्ता है ये जो 1200 कह रहे हैं ना, ये बाजार में 600 रुपये के जी भी मिलता है। अच्छा हाँ, 600 के जी जो ओरिजिनल जंगली हनी है वो तो 3000 पे, 2000 की रेंज से लेके 4000, वो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रेट्स होते हैं, तो इस तरह होता है। तो ये जब आप इधर आए तो आप कह रही हैं बाय करें, मैं तो कह रहा हूँ कभी भी ना करें। अच्छा हाँ, ये मिसगाइड कर रही हैं मेरा मुझे, हाँ। उन्होंने जो कहा तो उनकी तो कारोबार है। हाँ चले ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है आप एंडिंग कर दें। और ये था बी फार्म के ऊपर, मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया, तो मुझे इन्होंने कहा ये ओरिजिनल है, तो मैंने कहा कि आप, मैंने रेकमेंड किया कि जी आप कर लें। मैं पर्सनली खुद नहीं शहद जो है ना वो इतने शौक से नहीं खाती, सुबह बस पानी में, गर्म पानी में समटाइम एक चम्मच यूज़ कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे बेबीज जो है ना वो खाते हैं। तो आप लोग ये चीनी से बना हुआ शहद है, आप कोशिश करें कि जो फूलों से बना हुआ शहद है ओरिजिनल जंगली मक्खी का जो शहद आप पाए करें, और शहद को परखने के भी YouTube पर बहुत ज़्यादा तरीके हैं, आप कोशिश करें कि उस तरीके से रुई की मदद से, मेरे ख्याल में उसको बर्न करना होता है, तो आप उस तरीके से कर लें, आपको पता चल जाएगा कि हनी जो है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मुझे सब इजाज़त है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चलो।